अक्सर ये देखने को आया है कि जो बेगमात है वो बगैर किसी जवाज के अपने वालदैन के घर चली जाती हैं और उसके बाद अपने जो शौहर है उसके ऊपर खर्चे का दावा कर देती हैं। तो क्या इस सूरत में बेगम को खर्चा जो उसके अखराजात हैं वो देने का शौहर पाबंद है या नहीं? अच्छा, ये जो बात हो रही है ये सिर्फ बेगम के खर्चे के ऊपर बात हो रही है, बच्चों का जो खर्चा है वो तो उसको हर हाल में देना ही होगा, लेकिन अभी जो बात है वो बेसिकली बेगम के खर्चे के ऊपर बात हो रही है। तो इस हवाले से जजमेंट है 2011 MLD पेज 571, जिसमें ये करार दिया गया है कि जब बीवी बगैर किसी वजह के अपने वालदैन की तरफ रहने को चली जाती है और वो अपने शौहर के ऊपर खर्चे का दावा करे, तो इस सूरत हाल में शौहर खर्चा देने का पाबंद नहीं है। तो ये समझने की बात है कि जब भी अगर कोई जवाज़ नहीं है आपके पास और आप बगैर किसी जवाज़ के अपने वालदैन के पास रहने को चली गई और सिर्फ ये सोच के कि मुझे खर्चा वगैरह मिल जाएगा शौहर की तरफ से, तो ये जजमेंट मौजूद है जिसके नज़रिए में आपको किसी भी किस्म का कोई खर्चा देने का शौहर पाबंद ना होगा।